टेस्ट क्रिकेट की फटाफट खबरें। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच चल रहे पहले टेस्ट मैच में भारत ने मचाया गदर। यशस्वी के बाद रोहित शर्मा ने भी जमाया शतक। यशस्वी ने डेब्यू टेस्ट मैच में रचा इतिहास। यशस्वी विदेशी धरती पर डेब्यू टेस्ट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय ओपनर बने। उन्होंने 143 रनों की नॉट आउट पारी खेलकर डेब्यू टेस्ट में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले भारतीय बने। और सौरभ गांगुली का 27 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 1996 में डेब्यू टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 131 रन बनाए। यशस्वी डेब्यू टेस्ट की पहली पारी में 350 गेंदों का सामना करके अजहरुद्दीन के 39 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 1984 में इंग्लैंड के खिलाफ 322 गेंदें खेला था। हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा ने अपने टेस्ट कैरियर का 10वां शतक जड़ा। शतक के मामले में रोहित शर्मा ने 44वां शतक ठोककर ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ के रिकॉर्ड की बराबरी की। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब भारतीय टीम ने बिना विकेट गंवाए पहली पारी में लीड हासिल की। रोहित जसवाल की जोड़ी ने वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी का रिकॉर्ड भी तोड़ा। दोनों ने मिलकर 229 रनों की ओपनर पार्टनरशिप की। इससे पहले यह रिकॉर्ड संजय बांगड़ और सहवाग ने 2002 में 201 रनों की बनाई थी। विंडीज के खिलाफ सेंचुरी लगाने वाले रोहित शर्मा बने चौथे भारतीय कप्तान। इनसे पहले कप्तान के रूप में कपिल देव, राहुल द्रविड़ और विराट कोहली यह कारनामा कर चुके हैं। अश्विन ने अपने इंटरनेशनल कैरियर में 700 विकेट पूरे किए। इसी के साथ वह सबसे ज्यादा बोल्ड आउट करने वाले भारतीय बने। उन्होंने अनिल कुंबले का रिकॉर्ड तोड़ा। इसी के साथ खेल समाचार समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में क्रिकेट की नई ताजा तरीन खबरों के साथ। धन्यवाद।